जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित की कमी से जिरोप्थैल्मिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ई का ये को रेटिनॉल कहा जाता है। इसके कमी से रतौंधी जिरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कमी से होने वाले रोग एस्कॉर्बी, मसूड़े का फूलना। विटामिन B1 या थायमिन या बेरी बेरी रोग होता है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी B5 नियासिन या प्लेगरा या 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से रिकेट्स, सूखा रोग, बच्चों में, वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। घाव के शीघ्र भरने में निम्नलिखित विटामिन सहायक करता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, घाव भरने में सहायक करता है। विटामिन ई टेकोफेरा इसके कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है। विटामिन के किलो फिलोक्विनोन इसके कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी यह मसूड़े को मजबूत तथा स्वस्थ रखता है, और इसके कमी से मसूड़े से खून तथा स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेमिन त्वचा का फटना, आधे लाल होना। स्रोत माछ, मांस, कलेजी, हरी सब्जी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B3 पैंथोथेनिक अम्ल बाल का सफेद होना। स्रोत मांस, टमाटर, दूध, मूंगफली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B6 पाइरेडॉक्सिन एनीमिया या खून की कमी। स्रोत होता है इसमें मांस, यकृत, अनार, हरी सब्जी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B7 बायोटीन लकवा स्रोत में इसमें अंडा, दूध, मांस, यकृत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के वेग से अधिक, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की चाल के बराबर, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि के वेग से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के वेग से अधिक होता है। यदि मैक संख्या एक से अधिक हो तो पिंड की चाल प्राध्वनिक या सुपरसोनिक कहलाता है। वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जल में 1483 मीटर सेकेंड होता है, और लोहा में 3130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया। ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश, ऑप्शन नंबर बी नंद वंश, ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश। शुंग वंश सत्ता मौर्य वंश के बाद स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित शुंग ने की थी, और मगध पर एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना किया था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इसने मिंडार को हराया था। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इस वंश का अंतिम शासक देवहूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने किया, और कर्ण वंश की स्थापना मगध में किया था। अंतिम शासक सुशर्मा था। शिमुक ने इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ब्राह्मणों को सबसे पहले इसी वंश ने भूमि दान में देने की प्रथा किया था।
कार्ले का चैत्य या अमरावती या नागार्जुन कोड के स्तूप बनवाए थे? कुषाण वंश, संस्थापक उजुल कणफिसेस, राजधानी पुरुषपुर या मथुरा था? सबसे महत्वाकांक्षी शासक कनिष्क, इसने 78 AD में शक सम्मत चलाया था। गुप्त वंश, संस्थापक श्री गुप्त, महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 41, ऑप्शन नंबर सी 42, ऑप्शन नंबर डी 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व तो अनुच्छेद 36-51 के कौन में पंचायती राज का उल्लेख है? पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा तथा लोक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 42 प्रस्तुति सहायता से है। अनुच्छेद 39 धन का एक समान बंटवारा। 39 के क में समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत का पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचे पर स्थित है। यह ढांचा बलवंत राय मेहता ने 1957 में दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1928 के लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन नंबर बी काकोरी षड्यंत्र केस के कारण। ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह तथा उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया दिया गया था। भगत सिंह के विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा सैंडर्स के हत्या में के जुर्म में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। फांसी 1908 में कारण जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के कारण हुआ था। सुखदेव को भी सैंडर्स की हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था। राजगुरु को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। काकोरी डकैती केस 1925 में हुआ था। मुख्य आरोपी जिसे फांसी की सजा दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां, यह सबसे सबसे पहला मुसलमान क्रांतिकारी था जिसे फांसी की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को पुलिस मुठभेड़ में गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल फजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। अकबरनामा में नामा की रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। इस किताब को तहकीक ए हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। यह अलाउद्दीन के दरबार में रहता था। तबला तथा सितार के आविष्कार का श्रेय श्रेय अलाउद्दीन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर 1951 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन है जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक तत्वबोधिनी से लिया गया है। इसके गायन का समय 52 सेकेंड है तथा संक्षिप्त में 20 सेकेंड है। राष्ट्रगान का धुन राम सिंह ठाकुर ने बनाया था। इसे कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 27 दिसंबर
1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, पुस्तक आनंदमठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम गान 1896 में, समय लगता है 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। यह दोनों नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा के बदले ऐश्वरी का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, हुगली, कावेरी, बेगोई, ब्रह्मपुत्र, गंगा इत्यादि है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां सिंधु, साबरमती, माही इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु की सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा निर्धारित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का सीमा 35 वर्ष। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, दोनों विधानसभा लोकसभा के सदस्यों की उम्र 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के परिषद की उम्र 30 वर्ष होता है।